चलो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं कॉन्सेप्ट पे, एक्सचेंज रेट। कभी कभी दोस्तों अगर से भी कंसल्ट कर लिया करो ना क्लास में पहले आते हो तो, सबका हो गया है आपका नहीं हुआ तो थोड़ा देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे पॉइंट में क्या हो जाता है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं, उनके वजह से भी आंसर नहीं आ रहे होते हैं। क्या चीज? एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थियरी, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थियरी। बोलोगे थियरी है, थियरी है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। ठीक है जी, आइए देखते हैं क्या कहता है ये। फॉलोइंग आर सम थियरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। देखते हैं क्या क्या है। तीन थ्योरी कौन कौन सी? एक है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IRPT। एक है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग PPPT, और एक है इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट, इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट IFE। सॉरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी PPPT, इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट IFE, परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी, सॉरी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी IRPT। देखते हैं थियरी क्या कहता है। ये सब जो है एक्सचेंज रेट कैसे मूव करता है, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, इन सारे चीज़ों पे है ये। सबसे पहले हम लोग बहस करते हैं किस पे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी। चलिए इन थियरी को जानते हैं क्या कहता है ये। फेयर समझते हो, फेयर क्या होता है? आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, वो टैक्स वाले बोलते हैं, हम लोग ये आर्म लेंथ वगैरह नहीं बोलते, हम बोलते उचित। ठीक है जी, फेयर जो सही प्राइस होना चाहिए, उचित प्राइस जो होना चाहिए उसको कहते हैं फेयर। ये सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, फेयर कभी प्रिवेल नहीं करता है मार्केट में, याद रखना। मैंने कुछ बोला? आपको लगता है कि फेयरली डॉलर का प्राइस 66 होना चाहिए, होगा मार्केट में? नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
कभी एग्जैक्टली भी हो सकता है, कभी थोड़ा भी ज़्यादा हो सकता है, कभी ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। तो फिर मैं कहता हूँ जो हम सोचते वो तो मार्केट में होता ही नहीं है, तो सोचते क्यों है फिर? आप मुझे बताओ ना, कभी भी कोई चीज़ को क्यों सोचते हो आप? ये थियरी है, ये हम सोच रहे, एक एक्सपेक्ट कर रहे क्या रेट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। हम एक सोचते हैं कि ये होना चाहिए, और अगर वो मार्केट में है या नहीं है, फिर उसको हम कंपेयर करके कुछ डिसीजन लेंगे। तो याद रखिए, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, फेयर क्या होना चाहिए, उचित क्या प्राइस होना चाहिए, इस बात का थियरी पढ़ रहे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये देखिए, IRPT इज ए थियरी टू कैलकुलेट फेयर एक्सपेक्टेड फेयर एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट कॉमा फेयर एक्सपेक्टेड प्रीमियम अब्लिक डिस्काउंट ऑफ ए करेंसी। एंड कर दो यहाँ पे, ये दो ही रखो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, दो हम देख लेंगे तो चल जाएगा। IRPT इज ए थियरी टू कैलकुलेट फेयर एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट एंड फेयर एक्सपेक्टेड प्रीमियम डिस्काउंट रेट ऑफ ए करेंसी। क्या हम जो फेयर कैलकुलेशन करते हो मार्केट के साथ मैच कर सकता है, नहीं कर सकता है, बताइए? फेयर रेट अब्लिक प्रीमियम अब्लिक डिस्काउंट, फेयर रेट अब्लिक दो दो बार अब्लिक हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। फेयर रेट एंड प्रीमियम अब्लिक डिस्काउंट कैलकुलेटेड यूजिंग IRPT में, फेयर रेट एंड प्रीमियम अब्लिक डिस्काउंट कैलकुलेटेड यूजिंग IRPT में प्रिवेल इन मार्केट और मे नॉट प्रिवेल इन मार्केट। आप मुझे बताइए, हम फिर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ जी, हमारा फेयर एक्सपेक्टेशन जो है सिर्फ किसी चीज़ के लिए है, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि हम एक्चुअल के साथ क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। वी यूज IRPT, वी यूज IRPT फॉर डिसीजन मेकिंग ओनली। हम IRPT को यूज करते कोई डिसीजन चीज लेने के लिए। डिसीजन लेने का मतलब है कि एक्चुअल क्या है, ठीक है जी? तो आइएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। IRPT कहता क्या है? ये तो था सिर्फ IRPT का एक बैकग्राउंड कि क्या है ये, किस चीज को हम क्या करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि आप कहते हो आज का रेट ये है, तो कल का रेट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन एक और चीज है, हम जो कहते होना चाहिए और अगर वो नहीं होता है तो हम वहां से फायदा भी कमा सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कहता हूं डॉलर का रेट होना चाहिए 65, होना चाहिए, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा क्या होना चाहिए? अरे IRPT, पैरिटी थियरी। पैरिटी थियरी ये कहेगा,
और मार्केट में गया ये 65 नहीं है, मार्केट में 70 चल रहा है, अब क्या होगा? पहले फील करो ना ये है क्या, हम करने क्या जा रहे हैं। जब तक ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होगा ना, हम कुछ भी बोलेंगे वो सब आपको लगेंगे चाइनीज ही है। पहले करने क्या जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड करो, क्या करने जा रहे हैं, क्या जानने जा रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं मान लीजिए हमने एक एक्सपेक्ट किया, जैसे भी मान लीजिए एक चीज फॉरकास्ट करते हैं, आपके सर बताओ मेरा SFM में कितना मार्क्स आएगा, तो मैं फॉरकास्ट करूंगा। फॉरकास्ट करने के लिए कोई एक बेस तो होनी चाहिए ना, बताओ, एक बेस्ट होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए। अब मेरे सामने मान लीजिए कोई कभी क्लास लिया ही नहीं, मेरे सामने कभी बैठा ही नहीं, मेरे को क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ना तो मेरे को उनका पास्ट पता है, आ गए रोड पे चलते हुए, सर सुना है आप तो SFM पढ़ाते हो, बता हाँ, मेट्रो में मिल गया मान लीजिए, सर आपका फोटो देखा था कहीं पर, बोला हाँ SFM पढ़ाते हो, अच्छा बताइए सर SFM में मैं कितना मार्क्स लेके आ सकता हूँ, वाह बता सकता हूँ मैं। लेकिन आप अगर पूछोगे तो शायद अभी तो नहीं, लेकिन जब बैच कंप्लीट हो रहा होगा तो शायद मैं फॉरकास्ट करके दे सकता हूँ। बताइए कैसे दे दूंगा मैं, क्लास का परफॉर्मेंस, ठीक है जी, मान लीजिए टाइम मिलते तो टेस्ट भी ले लूँगा, अगर आप लोग बैठना पसंद करोगे तो, जैसे अभी मॉर्निंग के बैच में लिया है, ज़्यादा बच्चे प्रीफर नहीं करता, कहते सर टाइम नहीं मिलते ना रिविज़न के लिए, बस क्लास में तो बस पैसे ज़्यादा तो आ गए टीचर को देने के लिए, जब टाइम नहीं मिलता तो क्लास करने क्यों आ गए बताओ, सिंपल सी बात है। घर पे रिवीजन करने को मिलता नहीं है तो पैसे भी खराब करो टाइम भी खराब करो, घर पे बैठ जाओ ना, जब पढ़ना ही नहीं रिवीजन ही नहीं करना है तो जब पढ़ने का मूड होगा तब ले लेना क्लास, या तब जाके पढ़ना स्टार्ट कर देना, तो जो भी समथिंग हो। तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होता है, हाँ वो कौन इंटरेस्टेड होते हैं जिनका एग्जामिनेशन क्या होता है आसपास होते, और आप लोग का एग्जामिनेशन जिनका आसपास होगा थोड़ा इंटरेस्टेड होता भी है, और जिनका आसपास नहीं है, अरे हम सर अभी कहाँ पढ़ रहे, तो एग्जामिनेशन टाइम में रिवीजन करेंगे ना, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए आपको टेस्ट लिया, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर मैं आपको पूछता हूँ थोड़ा सा, अच्छा बताओ आपका SFM में पहले कितना मार्क्स आया हुआ था, अच्छा बताओ आपका टोटलिटी में कितना मार्क्स आया, अच्छा बताओ FR में कितना मार्क्स आया हुआ है, तो मैं ताकि आपको ये देखना चाहूँ कि न्यूमेरिकल पेपर पे आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है थियरी पे ज़्यादा कमांड होते हैं, न्यूमेरिकल में आता ही नहीं है, तो हम ये जानने चाहेंगे कि बैकग्राउंड से देखेंगे। मान लीजिए SFM में अच्छा मार्क्स नहीं भी आया, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी रीजन से नहीं आया, लेकिन न्यूमेरिकल में कितना स्ट्रेंथ है आपका वो चेक करने की कोशिश करेंगे, क्लास का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तब मैं बता सकता हूं कि हाँ क्या एक्सपेक्ट करता हूं। मुझे लगा कि आप 75 मार्क्स के काबिल हो, बोलता देखो 75 के अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाना चाहिए, क्या किया मैंने, एक्सपेक्ट, क्या आएगा 40 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 39 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, लेकिन ये हमारा फेयर एक्सपेक्टेशन था। लेकिन इसका एक मतलब, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं अगर 75 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 20 भी नहीं आने जा रहे, और अगर मैंने फॉरकास्ट किया 75 और अगर आपका 20 आ रहा है, इसका मतलब मेरे को फॉरकास्ट करने ही नहीं आता है, या कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन की वजह से ऐसा हो सकता है। बोलोगे क्या एक्सेप्शनल कंडीशन, मान लीजिए एग्जामिनेशन टाइम में तबीयत खराब हो गया, मान लीजिए एग्जाम में जाते हुए कैलकुलेटर गिर गया, कैलकुलेटर खराब हो गए, दूसरे लोगों का कैलकुलेटर यूज किया, और नए कैलकुलेटर पे तो आपको पता ही है स्पीड कितना होता है, आप अपना कैलकुलेटर यूज करो, मैं आपको आपके सामने कैलकुलेटर रख देता हूँ, 3 बार देखना पड़ेगा परसेंटेज किधर है, आइए स्क्वायर रूट किधर है, लेकिन अपने कैलकुलेटर तो कुछ बोलने की जरूरत है, तो पहले से पता हो बटन कहाँ है, ठीक है जी। कुछ लोग तो बिना देखे हुए कैलकुलेटर फटाफट यूज करते, वो अपना कैलकुलेटर तभी हो सकता है, एक्सेप्शनल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा फॉरकास्ट गलत नहीं था, मैंने फॉरकास्ट किया था क्या चीजों को देख के, परफॉर्मेंस, पास्ट ट्रेंड और फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट कितना है पढ़ने पे, उन सारे चीजों को देख के मैंने फॉरकास्ट किया था। इसका मतलब सिर्फ हमारा फॉरकास्ट तभी फेल होता है जब एक्सेप्शनल कंडीशन आता है, अदरवाइज फॉरकास्ट एग्जैक्ट मैच ना भी करे तो आसपास जरूर जाता है। मैंने 75 फॉरकास्ट किया, 65 आ सकते, 70 आ सकते, 85 आ सकते, 80 आ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 30 आ जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि 100 आपका आ जाएगा, ठीक है जी। तो यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो हम लोग जैसे मैंने आपका मार्क्स फॉरकास्ट करने के लिए एक बेस लिया था, क्लास का परफॉर्मेंस, पास्ट न्यूमेरिकल पेपर का क्या हिस्ट्री है, और क्या इंटरेस्ट है आपका अभी के SFM में, उन चीज़ों पर मैं फॉरकास्ट कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए, हम भी तो एक्सचेंज रेट ही तो फॉरकास्ट करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज किसी चीज़ का रेट चल रहा है 64, और आप जाते हो एक महीने बाद चेक करने तो आता है 65, दो महीने बाद चेक करने आते तो 66, 3 महीने बाद चले जाओ तो 65.5 समथिंग, इस तरीके से अगर रेट आ रहा है तो लोगों ने ही तो रेट डिसाइड किया है।
आप मुझे बताओ मार्केट में रेट कहां से डिसाइड होता है? आसमान से नहीं आते रेट, रेट भी डिसाइड करते हैं आप जो सोचोगे और हम जो सोचेंगे, हमसे रेट आएगा। तो मैं जो सोचता हूं, मेरा सोच अगर फेयर है, उचित है, तो आप भी भीड़ में हो। उचित का मतलब क्या होता है पता है? फेयर, एक के लिए फेयर नहीं होता है, फेयर सबके लिए फेयर होता है। सोच के देखिएगा, मैं क्यों, मैं अब जो कहने जा रहा हूं ना, 95% चांस है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में उसी के आसपास रेट होगा। मैंने कुछ बोला क्या? बोला हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में उसी के आसपास रेट होना चाहिए। बताता हूं क्यों होना चाहिए, नहीं होता भी है, होता भी है, क्यों होता है ये बताता हूं। मैंने सोचा कि फेयर 65 है, तो फेयर के अंदर कोई बेस तो बनाया होगा ना, ठीक है, उचित है। उचित चीज जो होते हैं ना, एक के लिए उचित नहीं होता है, सबके लिए वो उचित होता है, तभी वो उचित है। मैं कहता हूं कि मेरे को कमाना है स्टॉक मार्केट से 50%, ठीक है जी। एक कहता है नहीं मेरे को 20 चलेगा, तो क्या लगता है 50% मेरा उचित रिटर्न है? मेरा उचित एक्सपेक्टेशन था? नहीं था। जब कोई नहीं कमाता भीड़ में तो आप उचित कैसे बोलते हो? उचित का मतलब ये होता है जो कमाता है और जो खर्चा करता है, या जो सब है भीड़ में सबके लिए, क्या होता है, एक होता है, उसको कहते हैं फेयर। पहले फेयर को समझने की कोशिश करना है आपको। तो फेयर का मतलब यह है कि सब लोगों का सोच एक ही जगह जाए तो वह फेयर। अब मुझे बताइए, यह है करेंसी, मान लीजिए करेंसी है, यह करेंसी का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? भीड़, भीड़, भीड़ में। मैंने सोचा 65, तो भीड़ में सारे लोग क्या सोच रहे हैं? 65। बायर भी सोच रहा है 65, सेलर भी सोच रहा है 65। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं 65 नहीं, 64.9, कोई कहता नहीं 65.1, इस तरीके से पूरे के पूरे भीड़ में सोच आ गए। अब मैंने बोली लगाया, मैं तो 65 में डॉलर बेचने को तैयार हूं, मेरे को उचित लगा। एक दूसरा है, कहता है उचित तो है लेकिन चलो थोड़ा देखते हैं, मजे लेते हैं। किसी ने एक रेट लगाया 64.9। मैंने क्या सोचा? 65 होना चाहिए, लेकिन बायर ने सोचा कि हाँ ठीक है उचित तो 65 ही है, थोड़ा मजे लेते हैं। मजे कैसे लेते हैं? थोड़ा सस्ते रेट कोट करते, शायद सामने वाले दे दे और फायदा हो जाएगा। सामने वाले ने लगाया कोट कितना? 64.9, और कोई बायर रेट बढ़ाया ही नहीं, सब मजे ले रहा था। और मुझे लगा कि अभी मैं सोचता हूँ ये है उचित, थोड़ा देर के बाद तो उचित कुछ और भी हो सकता है। उचित याद रखना हर सेकंड बदलता है मार्केट में, फेयर जो है हर सेकंड बदलता है। बोलो क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी फॉरकास्ट किया आपका मार्क्स आना चाहिए 75, 2 दिन के बाद देखता हूँ आप तो एक दिन आते हो, एक दिन नहीं आते हो, एक दिन आते हो, एक दिन नहीं आते हो, अब मेरा एक्सपेक्टेशन बदलने लग जाएगा। मेरा सोच 2 दिन पहले का था 75 के लिए, आज कहता हूँ 60 आएगा क्या, 40 भी आएगा या नहीं आएगा? क्यों? आपके कल तक के परफॉर्मेंस 75 का था, लेकिन आज का परफॉर्मेंस अब आपका 60, 50, 40, 30 इतने का हो गया है। क्या मैं अपना एक्सपेक्टेशन नहीं बदलूंगा? बदलना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हम एक रेट फॉरकास्ट करने जा रहे हैं, अभी लगता है 65, कल मेरे को कुछ और एक्सपेक्टेशन आ सकता है। तो कल जब एक्सपेक्टेशन बदल जाएगा तो कल का प्राइस कुछ और होगा। बोलो कैसे बदल जाएगा? आप देखिए, हम जो रेट फॉरकास्ट करने का बेस क्या यूज करने जा रहे, इंटरेस्ट रेट। देखो ना कुछ लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट, आज के इंटरेस्ट रेट के बेसिस से मैं ये फॉरकास्ट करता हूं, कल का इंटरेस्ट रेट मार्केट में बदल सकता है, कल बदल सकता है। आरबीआई अभी आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी लेके, कहते रेपो रेट 0.5% कम, बदल गया मार्केट में एक्सपेक्टेशन। बस रेट देखते हो मार्केट में, जैसे ही चाहे फेड उधर इंटरेस्ट रेट हाइक करे, चाहे इधर आरबीआई इंटरेस्ट रेट डाउन करे, क्योंकि दोनों तरफ उल्टा चल रहा है। अभी इंडिया में रेट डाउन साइड चल रहा है और यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उधर जीरो था पहले, तो जीरो से वो इंटरेस्ट रेट क्या करना है, स्टार्ट किया, अभी बढ़ाना स्टार्ट किया है। तो उधर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंडिया के लिए बैड न्यूज है, और इंडिया का इंटरेस्ट रेट घटता है, इंडिया के लिए गुड न्यूज है। अब कैसे होता है वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, आगे बढ़ेंगे हम तो, ठीक है जी। वैल्यूएशन जब हम करेंगे ना, शेयर वैल्यूएशन अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इंटरेस्ट रेट अपने कंट्री में कट होना क्या होता है, वो फायदेमंद होता है। मैं कहता हूँ एक दिन पहले तक का एक्सपेक्टेशन था डॉलर का रेट 65, क्यों? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट रेट को बेस बनाया था। आज आरबीआई आके रेपो रेट कम कर दिया, मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम हो गए क्या? मुझे बताइए मेरा रेट अब एक्सपेक्टेशन बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। फिर सही वापस, मैं कहता हूं आज के जो मेरा सोच है, लोगों का सोच भी तो वही होंगे। मैं कहता हूं 65, लोग भी कहते 65, तो जो भी बोली लगाएंगे 65 के आसपास ही तो बोली लगेगा। क्या मार्केट में प्राइस सही होगा?
होगा। इसका मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा, एग्जैक्ट नहीं करेगा लेकिन आसपास करेगा। अब मैं कहता हूं कि नहीं, कोई एक एक्सेप्शनल न्यूज आ गया, बहुत अच्छा या बहुत बुरा, सारे एक्सपेक्टेशन एक सेकंड के अंदर बदल गए, या ऐसे सोचो मार्केट में जो हमने सोचा था उसके बिल्कुल ही अपोजिट चला गया। अगर ऐसा कुछ नजर आता हो तो उसको बोला जाता है मिसप्राइसिंग। हमने सोचा कुछ और मार्केट में चल रहा है कुछ और। अगर ये मिसप्राइसिंग नजर आए तो उस मिसप्राइसिंग को इनकैश करो आप। वो लोग इनकैश कैसे करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे। हमने सोचा 65, मार्केट में दिख रहा है 70, कहते हैं फटाफट पैसे कमाने की कोशिश करो बिना किसी रिस्क का। बोलोगे ऐसे हो सकता है, हाँ, उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेज। इसके अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, आर्बिट्रेज। पहले हम क्या बोल रहे हैं, पहले कह रहे ये होना चाहिए, और अब बाद में बोलोगे नहीं होगा तो मैं बोलूंगा नहीं होगा तो चलो ना कमाते पैसे। कैसे कमाएंगे, बिना किसी रिस्क का प्रॉफिट कमाएंगे, क्या होगा, आर्बिट्रेज। अगर थोड़ा सा कोई पीछे जाके लिंक करोगे तो लिंक हो जाएगा। बताओ कैसे, आपने एक बार आर्बिट्रेज पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा नाम सुना हुआ है, गुड, ध्यान आ रहा है, कितने को ध्यान आ रहा है कुछ लोगों का, ठीक है जी। क्या होता था देखिएगा, एमएम अप्रोच ने आर्बिट्रेज को एक्सप्लेन किया था, याद है कुछ, एमएम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर्बिट्रेज, है ना। क्या बोलता था एमएम अप्रोच पता है, कि एनओआई अप्रोच सही बोलता है। अब कुछ सर ये कहा एनओआई सब तो भूल गए, मैं बताता हूँ ना एक लाइन क्या बोलता था, डिवेंचर का मिक्स कितना भी रखो हमारे कंपनी का, दो कंपनी का वैल्यू जो होंगे वो सेम होंगे, वो फेयर था। मोदी गिलानी और मिलर आता है कहते हैं हाँ सही बोल रहे हो, एक कंपनी में डिवेंचर है एक कंपनी में डिवेंचर नहीं है तो भी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये फेयर है। और कहते रुको, लेकिन अगर वैल्यू में डिफरेंस आ गया तो, कहते आओ ना कमाते हैं, क्या कमाते हैं, आर्बिट्रेज। कैसे कमाते हैं, सस्ता वाले खरीदते हैं महंगा वाले बेचते हैं, आ गया आर्बिट्रेज। कहते नहीं ये हो गया महंगा, महंगा बेचते हैं सस्ता खरीदते हैं, हो गया आर्बिट्रेज। यानी कि आर्बिट्रेज कुछ अलग चीज नहीं है, हम क्या कह रहे हैं कि मिसप्राइसिंग होने का जो इनकैश करवाना वो होता है आर्बिट्रेज, लेकिन उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेज के अंदर एक खासियत है, रिस्क नहीं होना चाहिए। बोलोगे रिस्क किसको बोलते हैं, अगर आपका प्रॉफिट सर्टन है, लॉस हो ही नहीं सकता, अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्क फ्री। आप जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करिए, रिस्क फ्री है या नहीं है, रिस्क फ्री है, क्यों, कोई रिस्क नहीं है, आपके पैसे लेके SBI भागे नहीं जा रहे, ठीक है जी, तो वो रिस्क फ्री है। हम कह सकते वहां से कमाया हुआ क्या है आपके लिए, आर्बिट्रेज है। और भी बहुत सारे तरीके का आर्बिट्रेज होते हैं। आर्बिट्रेज ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ लिया तो वही आर्बिट्रेज, अभी पढ़ेंगे तो यही आर्बिट्रेज, नहीं, आर्बिट्रेज टॉपिक वाइज नहीं है। आर्बिट्रेज एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग मिसप्राइसिंग को इनकैश करते हैं और उसमें रिस्क नहीं होता है, और वो यही मिसप्राइसिंग नहीं होंगे। अभी तो आप करेंसी वैल्यूएशन कर रहे हो, आगे शेयर वैल्यूएशन करोगे वहां भी मिसप्राइसिंग हो सकते हैं, आगे ऑप्शन का वैल्यूएशन होगे कॉल पुट, वहां मिसप्राइसिंग होंगे, वहां भी आर्बिट्रेज करेंगे, आगे बोरोइंग डिपॉजिट करेंगे फॉरवर्ड रेट वगैरह FRA वगैरह पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में, वहां पे भी हम बोलते हैं कि बोरोइंग का रेट ये होना चाहिए, बोरोइंग का रेट ये नहीं होगा। हमेशा एक चीज माइंड में सेट कर लो, एक फेयर है एक एक्चुअल है। हम हर चीज का फेयर निकालते हैं, फिलहाल करेंसी का फेयर निकाल रहे हैं, आगे जाएंगे कंपनी का फेयर प्राइस निकालेंगे, आगे जाएंगे बॉन्ड का फेयर प्राइस निकालेंगे, शेयर का फेयर प्राइस निकालेंगे, कॉल पुट का फेयर प्राइस निकालेंगे, फ्यूचर का फेयर प्राइस निकालेंगे, जहां भी फेयर प्राइस निकालेंगे एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, जहां जहां एक्चुअल से मैच नहीं करेंगे हर जगह आपका आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज याद रखना एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जहां भी जाओगे ना परछाई की तरह किसके पीछे पीछे आ जाएगा, फेयर और एक्चुअल के साथ। कहता है आपने सोचा मार्केट में नहीं हुआ, आर्बिट्रेज कमाओ, अगर हो गया बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए क्या रिस्क फ्री कमाना इतना आसान है, आसान नहीं है। इसका मतलब आर्बिट्रेज इतना आसान नहीं है, तो आर्बिट्रेज नहीं है इसका मतलब मार्केट में जो होंगे वो वही होंगे जो हम सोचेंगे। ये थोड़ा सा प्रवचन समझ आया तो IRPT पे आ जाए हम। ये IRPT कुछ नहीं था, अभी हमने IRPT का तो आई भी नहीं देखा है, हमने तो सिर्फ क्या देखा है, थ्योरी क्या होता है
और एक्चुअल क्या होता है, और क्यों थियरी एक्चुअल के साथ मैच करता है, और नहीं मैच करेगा तो क्या करेंगे। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड था फेयर एंड एक्चुअल के बीच में। अब हम आगे आते हैं, कैसे एक्सपेक्ट करें, ठीक है, चलते एक्सपेक्ट करते हैं आईआरपीटी के साथ। आईआरपीटी कहते हैं देखो इंटरेस्ट रेट फॉरकास्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट काफी है, कहते दुनिया का और कोई चीज नहीं चाहिए आपको। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी कहते हैं इंटरेस्ट रेट बताएगा दो कंट्री का कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं कैसे फॉरकास्ट करोगे, कहते मैं बताता हूं ना फॉरकास्ट कैसे करना है। आइए तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे, आईआरपीटी क्या कहता है, बोल दिया एक लाइन सुनाई नहीं। दो कंट्री के जो एक्सचेंज रेट होते हैं ना वो इंटरेस्ट रेट बताएंगे। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि वो तो एक गुड्स का प्राइस बताता है, याद करो किसी भी सेम प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में सेम होता है, वहां से एक्सचेंज रेट आता है, तो वो भी एक थ्योरी है ना, वो बीच में है ना। वो ये कहता है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहता है पता है, वो कहता है कि प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है, लेकिन आईआरपीटी कहते हैं नहीं नहीं वो तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूं फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इंटरनेशनल फिशर कहता है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं कहता हूं क्यों नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, कहता है देखो जहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा ना वहां इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, और इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा होगा, यानी कि इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आके इंटरेस्ट का और प्राइस के बीच में रिलेशन बनाएगा। और क्या बोलेगा, जहां इंटरेस्ट रेट हाई है वहां प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होंगे। बोलोगे इंटरेस्ट रेट हाई तो प्राइस हाई, हाँ क्योंकि इंटरेस्ट लिंक होगा इन्फ्लेशन से और इन्फ्लेशन बताएगा प्राइस, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट और प्राइस दोनों क्या हो जाएगा आपका लिंक हो जाएगा। और लिंक होने के बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आएगा कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है वही आईआरपीटी कहता है। लिंक करना पड़ेगा, अगर लिंक करोगे तो, नहीं करोगे तो एक एक लाइन का थ्योरी पढ़िए, दो मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना देर हम अभी भाषण कर रहे हैं उतने दिन के अंदर तो कुछ लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है। एक फॉर्मूला लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर से आते हो वापस, कुछ नहीं है। इंटरनेशनल फिशर ने बोला रुको तुम दोनों लड़ो मत, एक कहता है एक्सचेंज रेट प्राइस पर डिपेंड करता है, एक कहता है एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल फिशर कहता है दोनों ठीक ही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, क्यों, क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है इन्फ्लेशन उस जिस कंट्री में हाई होते हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखा ही जाता है। मैंने एक बार पीछे बोला भी था, रघुराम राजन अपॉइंट हुए 2013 में, इंटरेस्ट रेट कट होना इंडिया में स्टार्ट हुआ है 2015 से, तो ये 13 से 15 क्या कर रहे थे, हवन कर रहे थे क्या आरबीआई में बैठ के, वो रेट नहीं कम कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, इन्फ्लेशन जा रहा था 12%, इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही 2014 से 15 तक एक साल तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह गया, उसके बाद धमाधम इंटरेस्ट रेट कट करना क्या किया, स्टार्ट किया, और 2015 से अभी तक आके देख लीजिए कितना रेट कट हो चुके है, 2 से 2.5% का रेट क्या हो चुका है, कट हो चुका है। और आने वाले दिन पे नहीं, अभी तो कुछ गड़बड़ सिचुएशन को फॉरकास्ट किया है, तो शायद डिक्रीज होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन पीछे तक का सिचुएशन यह था कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी, अगले मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करेगा, 0.25% रेट और कम करेंगे। लेकिन अभी कमेंट्री आया था कि नहीं, कुछ डाउट है, अब डाउट इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा गया है, ठीक है जी, जीडीपी भी उतना, जो भी है जीडीपी भी उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया है। वैसे तो जीडीपी, खैर इंटरेस्ट रेट कट करने से जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी को अगर कंट्रोल करना है तो रेट तो कट करना पड़ेगा, लेकिन मेन फैक्टर क्या आ जाता है यहाँ पे, इन्फ्लेशन। तो ये दोनों को लिंक करने वाले काम कौन करने वाला है, फीसर। तो अब आते फिर से वापस चलना आईआरपीटी पे, देखते क्या कहते हैं। ये तीनों जो है ये फेयर थियरी है, एक्चुअल के साथ मैच करेगा भी नहीं भी करेगा कोई बात नहीं। आइए एज पर अकॉर्डिंग टू आईआरपीटी, चलो इसको मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू आईआरपीटी फॉरवर्ड रेट ऑफ टू करेंसीज डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट रेट
इंटरेस्ट रेट, फॉरवर्ड रेट ऑफ टू करेंसीज डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ दोज टू करेंसीज. आगे देखिए, कहते हैं जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई होंगे उस कंट्री का करेंसी डेप्रिसिएट करेगा, ये कहता है आईआरपीटी. लॉजिक सारे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है. करेंसी विथ हाई इंटरेस्ट रेट, करेंसी विथ हाई इंटरेस्ट रेट विल डेप्रिसिएट इन फ्यूचर एंड करेंसी विथ लो इंटरेस्ट रेट will appreciate in future. अब बोलोगे क्यों, कोई बात नहीं, सबर करो. थर्ड वन कहता है कितना appreciate depreciate, कहता है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस बताओ आप. मैं कहता हूं इंडिया में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, कहता है बताओ यूएस में कितना है. मैं कहता हूं 2%, कहता है डिफरेंस कितना है 4%. कहता है इंडियन करेंसी एनुअली 4% डेप्रिसिएट होंगे और यूएस के करेंसी 4% एनुअली एप्रिसिएट करेगा. एग्जैक्टली तो नहीं होता, एक का 4% प्रीमियम दूसरे के 4% डिस्काउंट होते हैं, नहीं होते, लेकिन मोटा मोटा तो वही होते. तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी 4% डेप्रिसिएट होंगे, अप्रोक्सीमेटली यूएस करेंसी 4% डेप्रिसिएट होंगे. ये कहता है ये थियरी, और ये आपको वेरीफाई भी हो जाएगा. मैं आपको चार्ट के साथ अभी दिखा भी दूंगा. 5 साल का आप हिस्ट्री देख लीजिएगा, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये थियरी सही कहता है या नहीं कहता है. और मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया हूं कि थियरी 95% चांस है मार्केट में क्या करेगा, प्रिवेल करेगा. वो 5% में एक्सेप्शनल न्यूज आ जाता है, 5% में एक्सेप्शनल न्यूज आ जाता है. आज पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया, ये बोला है मान लो, ठीक है जी, ये क्या हो गया एक्सेप्शनल न्यूज, कुछ भी हो सकता है. आज मोदी जी का तबीयत खराब हो गया है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कोरिया ने बम गिरा दिया, बिल्कुल सही, क्या होगा नहीं, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है उस कंडीशन में, ठीक है जी. वो सारे चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज क्या होता है, ये प्रिवेल करता है. फिर चाहते हैं वापस, हम कहते हैं किसने बोला इंटरेस्ट रेट डे वाइज चेंज नहीं होता है, मनी मार्केट में हर सेकंड चेंज होता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन मोटा मोटा आसपास ही रहेगा जब तक आरबीआई वगैरह का इंटरफेरेंस ना हो जाए. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि तभी तो मैच करता है ना हमारा, तभी तो मैच करता है ना. मार्केट में ग्राफ दिखा दूंगा ना आपको, तब तो पता हो जाएगा ना. आइए इसमें देखिए, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस होगा. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रीमियम अब्लिक डिस्काउंट ऑफ ए करेंसी. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्रीमियम अब्लिक डिस्काउंट ऑफ ए करेंसी, ये तीसरा थ्योरी हो गया. चौथा कहते हैं कि जो आपका रेट होना चाहिए ना वो इस फॉर्मूला से निकाला चाहिए. ये देखिए, अकॉर्डिंग टू आईआरपीटी फेयर फॉरवर्ड रेट, फेयर फॉरवर्ड रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग
फॉलोइंग फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होंगे? ये कहते देखिए कि अगर आप फॉरवर्ड रेट निकालते हो रुपी पर डॉलर का, यह हमारा यही इंटरप्रिटेशन चलेगा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में जो इंटरप्रिटेशन है हम वही लेके चलते हैं। रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू स्पॉट रेट रुपी पर डॉलर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट रुपी करेंसी का डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डॉलर करेंसी का। पावर पे एन डाल दीजिए, यहाँ भी पावर पे एन होगा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई ये निकालना चाहे फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू डॉलर पर पाउंड, तो बताइए कैसे निकालोगे आप? स्पॉट रेट भी टलेगा डॉलर पर पाउंड, तो मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ किसका, पाउंड का नहीं डॉलर का, डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ पाउंड करेंसी। पहले मीनिंग लिख लेंगे यहाँ पे, जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रुपी अब लिख डॉलर का, मतलब हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, रुपीज पर डॉलर, नहीं तो सब फार्मूला गलत हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है डॉलर पाउंड, इसका मतलब है डॉलर पर पाउंड। यहाँ पे PIR का मतलब क्या है बताएंगे, ये है पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। बस खत्म हो गए IRPT, और कुछ नहीं है। बढ़ो आगे, पहले इंटरप्रिटेशन देन एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। आइए इंटरप्रिटेशन जो हमने लिखा है उसको क्या कहना चाह रहा है, एक एग्जांपल समझते हैं। इंटरप्रिटेशन विथ एग्जाम्पल, और एक बार क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्यों हुआ वो, फिर एक सेम एग्जाम्पल से। मान लीजिए जो भी डेटा ले रहे हैं हम एक्चुअल ले रहे हैं, ऐसा नहीं तुक्का लगा के ले रहे हैं। सपोज, अच्छा जब मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ तो कौन सी इंटरेस्ट रेट होते हैं, रिस्क फ्री ट्रेजरी बिल। कोई भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बोरिंग रेट इंडिकेट नहीं करता है, कोई भी आपका प्राइवेट लोन डिपॉजिट नहीं इंडिकेट करते, वो उस गवर्नमेंट के जो रेट चलते वो रेट इंडिकेट करते हैं। और वो आप ट्रेजरी बिल देखोगे, अगर आपको ट्रेजरी बिल का रेट ना पता हो तो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट रेट आता है आपका वो अप्रॉक्सीमेटली रिस्क फ्री होते हैं, और ट्रेजरी बिल भी रिस्क फ्री है, वो रेट आपका दोनों क्या होगा, कंपेरेबल होगा, ठीक है जी। तो सपोज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिख देता हूँ टी बिल रेट, रिस्क फ्री रेट का मतलब टी बिल रेट, ये चल रहा है से 6% पर एनम। रिस्क फ्री रेट इन इंडिया टी बिल रेट 6% पर एनम, ठीक है। रिस्क फ्री रेट इन USA, वहाँ का भी टी बिल रेट है, ये देखिए ये हो जाता है से 2% पर एनम। तो मुझे बताइए अगर ऐसा है, और एक और रेट ले लेते हैं हम लोग, एक रेट लेते हैं स्पॉट रेट कुछ चल रहा है हमारा डॉलर 1 इक्वल टू रुपी, अभी तो 65 पे चले गए, कहाँ 63,
काफी है एक दिन, एक दिन हालत खराब कर चुका है डॉलर सॉरी रुपी का, 5 महीने के लोअर लेवल तो एक दिन में पहुंच जाते हैं, कल जो क्लोज हुआ है एक दिन के अंदर 5 महीने के लोअर लेवल पे। बोलोगे ऐसा क्या हो गए, मार्केट में भूचाल आए ना, आपको याद है पहले ही बता चुका था, याद करो, जब जब मार्केट डाउन जाएंगे डॉलर महंगा होगा क्योंकि वो इन्वर्स चलते हैं। कल मार्केट का बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था, ठीक है जी, क्योंकि कुछ लोगों ने चाइना का फिर से स्लो डाउन एक्सपेक्ट करा है, ठीक है जी, मंदी की आशंकाएं जताए हैं, कुछ नॉर्थ कोरिया का कुछ फिर से रिस्क बढ़ा है, कुछ स्टेटमेंट आए हैं कि कुछ नहीं चलो हम क्या करते हैं टेस्ट करके देखते हैं, कुछ इस तरीके का कुछ जो सिचुएशन वगैरह राइज हुआ है उसकी वजह से मार्केट में नर्वसनेस दिखते हैं। जैसे कुछ बुरा होने वाले हैं पैसे यहां से निकलते हैं। अकेला कल 2,000 करोड़ का सिक्योरिटी शेयर बेचा है फॉरेन इन्वेस्टर ने, FII ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने अगर सिक्योरिटी बेचा है यहाँ पे 2,000 करोड़ का, क्या मतलब है बताइए, वो पैसे निकाला है और पैसे निकालेंगे तो डॉलर खरीदेंगे वो, क्योंकि उनको डॉलर लेके जाना है, डॉलर का प्राइस क्या होगा बढ़ेगा, तो डॉलर का प्राइस बढ़े क्योंकि मार्केट जो है जबरदस्त डाउनफॉल में थे कल, ठीक है जी। तो इसी की वजह से जो रेट है वो 65 के आसपास पहुंच चुके हैं, एक बार देख लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें वैसे भी कंपैरिजन करना है ना, एक्चुअल के साथ मैच कराना है, तो एक्चुअल के साथ मैच होनी चाहिए। ये देखिए मार्केट डाउनफॉल है 157 पॉइंट, ओ देखो 51 स्टॉक का ग्रुप है, उस 51 स्टॉक में से मैंने थोड़ा सा तो बताया था ना, निफ्टी एक ग्रुप है, बंडल है, जिसके अंदर 51 स्टॉक है, 50 कंपनी है, तो ये देखो 47 एंड 4 कितना होता है, 47 एंड 4 51, यानी कि टोटल 50, 51 स्टॉक के ग्रुप में से 47 नीचे, सिर्फ 4 क्या था ऊपर, इतना बुरा हाल था, कुछ स्टॉक तो 10 10 15 15 20 20% डाउन थे, ठीक है जी। चलिए तो अब आगे आते हैं, इधर देखिए कुछ रेट लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखो 64.95 ऑलमोस्ट कहाँ पहुँच गए बताइए, 65, जबकि आप देख रहे थे 63 पॉइंट समथिंग चल रहे थे, ठीक है जी। आप एक दिन का डाउनफॉल अगर देखना चाहते हो डॉलर का, तो आपको डॉलर का रेट दिख सकते हैं, करेंसी डेरिवेटिव में जाइए, यहाँ पे USD डॉलर लिखिए, यहाँ पे USD नज़र आ जाएगा, ये देखिए एक यहाँ तो कम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी, क्योंकि ये कौन सी मार्केट का रेट है, इसमें भी था, इसमें कैसे नहीं था, कल ही तो डाउनफॉल ज़्यादा गया, कि इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि होता क्या है ये जो फ्यूचर मार्केट होते हैं ना, इसमें तो ट्रेड ही नहीं हो रखा है, नहीं ये डेटा डेटा गलत गलत आ जाते हैं, ये होता क्या है जब मार्केट ओपन होते हैं ना तो उस टाइम इसमें डेटा सारे सही आते हैं, जब मार्केट क्लोज होते हैं तो उस टाइम पे उन लोग का जो भी जितने भी मेंटेनेंस वाले सारे काम होते, क्या होता है बैकएंड पे चल रहे होते, तो कभी कभी डेटा आपका नहीं आता, और वैसे भी 2 दिन के जब छुट्टी होते तो जितने भी काम करने होते सारे कब करते, इसी 2 दिन के छुट्टियों में, सैटरडे संडे के अंदर, क्योंकि ये इंडियन रेलवे का साइट नहीं है, ठीक है जी, कि थोड़ा देर सर्वर डाउन भी हो जाए तो क्या होगा चलेगा, तो सारे जितने भी मेंटेनेंस होते रहे चले, क्योंकि डॉलर में ट्रेड ना हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें चेंज नहीं दिखा रहा था। चलिए फिर से आते हैं हम वापस, सिंपली इतने समझ आइए, आज आपका रेट कितना पहुंच चुका है 65 का, मैंने ले लिया 65 पूरा पूरा। अब मुझे फटाफट बता दीजिएगा क्या क्या होने वाला है आपके IRPT के हिसाब से, क्यों होगा, मैंने क्यों का अभी रीजन नहीं दिया है, क्या हो रहा है मैं ये बता रहा हूँ बस अभी, ठीक है, बताइए क्या कहता है IRPT, एज पर IRPT फटाफट बताइए, IRPT कहते हैं कि डॉलर क्या होगा, एज पर IRPT डॉलर करेंसी विल एप्रिसिएट कितने से, एप्रिसिएट बाय अप्रॉक्सीमेटली 4% पर एनम। देखो अब ध्यान से, यही तो बोला था हमने,
ये कहता है आईआरपीटी, डॉलर करेंसी विल एप्रिसिएट बाय अप्रोक्सीमेटली 4% पर एनम। यही कहता है कि रूपी करेंसी जो होंगे ना आपका, ये 4% कहाँ से लाया, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, लिखना चाहो तो लिख लेना, रूपी करेंसी विल डेप्रिसिएट बाय अप्रोक्सीमेटली 4% पर है ना। ये कहता है कि आने वाले दिन का जो रेट होना चाहिए ना आपका, वो 65 से ज़्यादा होना चाहिए। मैं एक साल का है तो मैं एक काम करता हूँ, परिणाम चल रहा है ना, चलो एनुअल रेट ही बोल देता हूँ, एक साल बाद का रेट क्या होना चाहिए। फॉरवर्ड रेट कौन सी टाइम का, फॉरवर्ड रेट ऑफ वन ईयर टाइम शुड बी, ये हम फेयर की बात कर रहे हैं, एक्चुअल पता नहीं क्या होगा, कितना होना चाहिए बताइए। कहते 65 है, मैं कहता हूँ हाँ। कहते आप एक काम करो, इंडिया का रेट लो, मैं कहता हूँ 06। कहता यूएस का रेट लो, मैं कहता हूँ 02। तो कहते देखो कितना आ रहा है आपका, बताइए 1.06 डिवाइडेड बाई 1.02 मल्टीप्लाई बाई 65। कहता जो रेट होना चाहिए ना आपका रुपी 67.5 के अप्रॉक्सीमेट, चलो पूरा लेता हूँ 5490 होना चाहिए, इतना रेट आपका होना चाहिए। अब होगा नहीं होगा मालूम नहीं, चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं क्या, वेरीफाई कर सकते हैं हम कहाँ से, एक साल बाद का रेट मिलेगा नहीं हमें, वही तो था अभी जो दिखाया था आपको, बट दिख तो नहीं रहा था सही, फिर भी देखते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो जैसे, देखो एक काम करते हैं, आते हैं कुछ जो भी डेटा अभी नज़र आ रहा है, ठीक है वो देखिएगा, ट्रेड हो रखा है, हाँ जी ट्रेड हो रखा है, ट्रेडेड वॉल्यूम 5414, इतना ट्रेड हो रखा है, ठीक है जी। बताइए कितना चल रहा है, 67.10, हमने फॉरकास्ट क्या किया है 67.5490, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 67.1 तक तो गया, हमारे के आसपास पहुंच चुका है, 67.5 आपने फॉरकास्ट किया, 67.1 आपका है, 0.04 का क्या नज़र आ रहा है आपको डिफरेंस, आप चाहो तो ये 0.4 का डिफरेंस का आप आर्बिट्रेज अर्न कर सकते हो। एग्जैक्ट नहीं, उसी के आसपास है, ठीक है जी उसी के आसपास है, हमने जो रेट लिया आपका वो दोनों क्या चल रहा है आपका अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम चल रहा है, ठीक है जी। हाँ जी ट्रेजरी बिल, आइए फिर से वापस आते हैं, ट्रेजरी बिल के रेट की आपको ज़रूरत भी नहीं है, जो मार्केट में बैंक या फिक्स डिपॉजिट जो चल रहे हैं उसी रेट को क्या कर लीजिए आप, फॉरकास्ट कर लीजिए, वहीं से आ जाएगा आपका। फिर से आते वापस, अब मैं कहता हूँ कि ठीक है यहाँ से तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हुआ क्यों, तो अब ये क्यों का रीज़न चाहिए, तो पहले चलते क्यों पे, देन हम बात करेंगे। अच्छा एक और चीज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे अभी कह रहे थे कि अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास क्या आना चाहिए, डेप्रिसिएशन आना चाहिए, हम लोग थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, चलते याहू के साइट पे, वहाँ से हम लोग डॉलर का रेट उठा के ट्रेंड देखते हैं पिछले 5 साल का क्या चल रहा है। इधर आ जाते इस पे, ये देखिए याहू का क्या हो रहा है, ये देखिए यूएसडी आईएनआर, ठीक है जी, उधर के स्क्रीन पे ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है, पता नहीं क्या है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया फुल स्क्रीन, नज़र आ रहा है ना, अभी आ जाएगा, ये देखिए इस पे ले लिया मैंने 1 ईयर नहीं, मैंने ले लिया 5 ईयर, ठीक है जी। देखिएगा 5 ईयर का कुछ नज़र आ जाएगा आपको, ये देखो 2013 के आसपास कितने के आसपास रेट हुआ करता था, अरे आ जाना, ये देखिए मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया नीचे, ये कुछ नज़र आ रहे हैं ना, कितने के आसपास नज़र आ रहे हैं बताइए, 55 नहीं रहा, ये है एक्चुअल, ठीक है जी, लो आपका 51 के आसपास नज़र आ रहा है, ये ना ये डिलीट क्यों नहीं आता, नहीं ना वो दिखता ही नहीं,
ये मैंने कितने बार कोशिश किया, ये हट जाए, ये हटता ही नहीं है, क्या है, नहीं है, समझ ही नहीं आता है। समझ दिख तो जाता ही है ना, क्योंकि होता क्या है, ये जैसे स्क्रीन बड़ा करते हैं ना, तो ये सारे चीज़ इन लोगों का जितने भी होते हैं इंटरेक्टिव होता है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहते हैं। स्क्रीन बड़ा करना सबसे पहले स्पीड स्लो कर रहा है, और कुछ नहीं है। अगर इसी को छोटा कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है जी, सब दिखता है। जैसे इसको मैं छोटा कर दूँ आपको, तो ये देखिए सब चीज़ दिखेगा आपको, कितने रेट कहाँ पे है, कैसे है, सब चीज़ नज़र आएगा। लेकिन जैसे बड़ा करो तो नज़र ही नहीं आता। ये देखो, ये लाइन हम यहाँ लेके जाते हैं, देखो यहाँ से आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ की हम बात कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे जाइए, सबसे उधर राइट हैंड साइड में आपका कुछ प्राइस आ रहा है 52 पॉइंट समथिंग का, ठीक है जी, 52.6680 का प्राइस आ रहा है। लेकिन जैसे ये बड़ा करो कुछ नज़र ही नहीं आता है। चलो कोई नहीं, ये देखिए इसके आसपास जाते हैं आप, मोटा मोटा देख लीजिए किसके आसपास पहुँचता है ये, ठीक है जी, 55 के आसपास। आज मुझे बताइए आपका रेट कितने के चल रहे हैं, 64.78 यानी कि 65। आप मुझे बताइए 52 से 55 तक पहुँचे, बताइए 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा आपका। ये 52 का लेवल है, ये नीचे वाले लेवल जो आपको नज़र आता है, ठीक है जी। अब बताइए कहाँ से कहाँ पहुँचे, कैलकुलेशन करो ना, 52 टू 65 कितने परसेंट गया आपका, 65 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 100, बताइए 5 साल में कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 25% डेप्रिसिएट होते हुए, क्योंकि डॉलर 25% डेप्रिसिएट हुआ है। तो आप मुझे बताइए 5 ईयर पहले आपका रेट हुआ करता था 52 के अराउंड, ठीक है जी, आज रेट कितना हो रहा है, 65 के आसपास, कितने परसेंट का अप्रेशन नज़र आ रहा है, 25%। तो 1 साल का कितना हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 5%, अप्रॉक्सीमेटली 5%, ठीक है। आप थोड़ा और ज़्यादा दूर पे जाना चाहते हो, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, मैं फटाफट बोल दूंगा, सुन लेना। ये देखिए 10 ईयर पहले, 10 ईयर का ग्राफ ले लिया मैंने, ठीक है जी, 10 ईयर के ग्राफ में देखिए नीचे अब जा रहा है यहाँ पे, अब तभी से नखरे दिखा रहा था। ये देखो कितने के आसपास नज़र आ रहा है, बताइए, वही 39 के आसपास, यानी कि 39 के आसपास आपका रेट है। आज आपका रेट कितने चल रहा है, 65। तो आप मुझे बताइए कितना हो गया, 39 था, ले लेते हैं हम लोग 65 माइनस 39, 40 ले लो ना, क्या दिमाग लगाना है, 65 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ रहा है, बताइए 10 साल में देखोगे तो 62.5% के आसपास क्या आपका एप्रिसिएट हो रखा है, कौन, डॉलर 62% एप्रिसिएट हुआ, यानी कि रुपी क्या हुआ है, 62% डेप्रिसिएट हुआ है। एनुअली निकाल लो आप, डिवाइडेड बाई 10, अप्रॉक्सीमेटली 6% का नज़र आ रहा है। तो पुराने रेट में जाओगे, पुराने ईयर में, इसका मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा डेप्रिसिएशन है ना, कंपेरेटिवली पुराने ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अभी नज़र आ रहा था 5, जब 10 साल का देखा तो अप्रॉक्सीमेटली कितना जा रहा है, वो भी सिंपल, यहाँ कंपाउंडेड आता है। मार्केट में जो डेप्रिसिएशन चलते हैं ना वो कंपाउंडेड होता है, 1 साल आपका 5% डेप्रिसिएट हो गए तो अब उस पर फिर 5% डेप्रिसिएट होंगे, यानी कि उसको जितना वैल्यू आते हैं उसके वजह से वो डेप्रिसिएट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सिंपल। तो आप मुझे बताओ ना, आज से कुछ दिन पहले, आज 2013 में चले जाओ, इंडिया में रेट हुआ करता था 8-9% और यूएस में हुआ करता था 1%, यूएस का कम था, इंडिया का क्या था, ज़्यादा था, डिफरेंस दोनों के बीच में क्या था, ज़्यादा था। तो उस टाइम का डिप्रेशन आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप इवन यहाँ पे इंटरेक्टिव चार्ट जो है ना, ये इसको ये भी कर सकते हो, आप एग्जैक्टली पुराने 5 साल में सेट कर सकते हो आप इसको, समझ में आया कुछ, एक इतने साल से लेके इतने साल तक के पूरा आप कर सकते हो। जैसे अब इसमें है, अब डेट बता रहे, बताओ कहाँ से कहाँ तक आप अगर चेक करना चाहते हो, जैसे पुराने 5 साल अगर मैं ले लूँ ना, ठीक है जी, पुराने 5 साल के अगर मैं ले लूं तो वहां पे आपको क्या नजर आएगा पता है, हो सकता है 6-7% का डिप्रेशन नजर आएगा, लेकिन अभी करंट का 2-3 साल में चले जाओ तो आपको क्या नजर आएगा, एग्जैक्टली 2 ईयर में। चलो मैं पिछले 2 साल का कंपेयर करके दिखाता हूं, अभी कम होना चाहिए क्योंकि अभी गैप क्या हो चुका है, ये लो 2 साल की मैं बात करता हूं। ये देखिए 2 साल में तो बात करोगे तो ऑलमोस्ट गया है, डेप्रिसिएट हुआ है, लेकिन ये 1 साल एक्सेप्शन बन रहा है आपका, अभी के जो पुराने 1 साल है ना वो एक्सेप्शनल बन रहा है, क्योंकि 68 से कहां गया है आपका 64 के आसपास। तो आप मुझे बताइए, यहाँ तो फेल हो गया आपका थियरी, 1 साल में आपका फेरी क्या नज़र आ रहा है बताइए, करंट अगर 1 साल में जाओगे तो आपका थियरी फेल नज़र आ रहा है, बताओ कैसे, क्योंकि 1 साल पहले रेट हुआ करता था आपका अप्रॉक्सीमेट 68, लेकिन आज आपका रेट कितने गया है, इवन 64 के नीचे भी गया था कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर दोबारा कहाँ पर आ चुके हैं आपका 65 के अराउंड। इसका मतलब है करंट ईयर में आपका 1 साल में ये थियरी आपका फेल हो गया, रीजन है क्योंकि 1 साल में मार्केट जो है अभी सबसे ऊपर पहुँचा है।
इसका मतलब सिर्फ इंटरेस्ट और क्या कहते हैं इन्फ्लेशन ही नहीं हमारे रेट को डिसाइड करते हैं, बहुत सारे चीज है। जैसे एक ही दिन में आपका 5 महीने के लोअर लेवल पे आ जाता है तो कैसे आ गया बताओ, इंटरेस्ट रेट तो इस तरीके से इफेक्ट नहीं डालता है। यानी कि आप इंटरेस्ट रेट की अगर इंपैक्ट देखोगे तो साल दर साल आपको नजर आएगा, हर एक दिन के मूवमेंट में आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि उसमें रियल टाइम का न्यूज आ जाता है। ठीक है, अब ये रहा एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन अब्लिक लॉजिक, देखते हैं क्या है, किस लॉजिक की वजह से ये सब होता है। सबसे पहले चीज़ समझ जाना है फेयर बोलते किसको है, जहाँ पे किसी को भी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन को फेयर कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक कोई मिस्टर इंडिया है, नो मिस्टर इंडिया, इंडिया फिलहाल तो इंडिया, इंडिया कितना परसेंट रेट चल रहा है यहाँ पे, 6%। ओके, यूएसए क्या रेट चल रहे हैं, 2%। आप मुझे बताइए कोई भी इंसान क्या चाहता होगा, नॉर्मल सोच पे आ जाओ, क्या चाहता होगा लोग, इन रेटों को देख के, इन दो कंट्री के रेट को देख के लोग क्या चाहता होगा, यूएस से लाएं और इंडिया में इन्वेस्ट करें। बहुत अच्छा पहचान है, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए जी, ब्रेक से आते हैं आप लोग। कौन चाहता होगा, इंडिया वाले चाहता होगा कि वहां से पैसे ला के यहां लगाऊं, और वहां वाले नहीं चाहता होगा कि यहां जाके लगाऊं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ये क्यों बोल रहे हो कि इंडिया वाले चाहते होंगे कि यूएस से पैसे लाऊं बोरिंग करके और इंडिया में लगाऊं, हम कहते हैं यूएस वाले ये क्यों नहीं चाहता होगा कि अपने पैसे इंडिया में लगा लेते फिर बाद में लेके आ जाएंगे, दोनों चाहते होंगे ना। इसका मतलब यहां पे कोई मिस्टर इंडिया, पहले यूएसए ले लेते हैं, मिस्टर यूएसए अब्लिक इंडिया, वहां से पैसे कहाँ लाना चाहता होगा, वहां से पैसे लेके सोचते होंगे कि यहां बोरोइंग कर लेते हैं, कहां पे, यहां बोरोइंग कर लेते हैं। ठीक है जी, मान लो क्या बोरोइंग करना चाहता होगा, से $100 चाहते होंगे, और वो चाहते होंगे कि हम पैसे यहां पे आके इन्वेस्ट कर दें, कहां पे, इंडिया में, इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, कितने पैसे आएगा इंडिया में, कितने पैसे आएगा इंडिया में, कितने पैसे आएंगे इंडिया में, रेट पता नहीं आपको, दिया हुआ नहीं है, सेम एग्जांपल के तो बात कर रहे हैं हम, बताओ आज का रेट क्या दिया हुआ आपको, 65, ये तो हम पहले दिन से लिखते आ रहे 65, स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए फेल हुआ लेकिन हम तो फॉरकास्ट करके पहले ही से बैठे थे, जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुआ उसी दिन से हम क्या बोलते आ रहे 65, आप लोग कहते नहीं 63 चलेगा 64 चलेगा, तो आ जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आ जाएगा, आ गया एक ही दिन में, ये देखिए 65 पे आ गया, तो इतना तो याद रख ही सकते हो। हमारे एग्जाम्पल में हमेशा क्या होता है, $1=₹65। अब आइए, ये हो गया इन्वेस्ट इन इंडिया, अब क्या करोगे बताइए, विड्रॉ करोगे ना, सॉरी रुपीज, पहले ये तो बताओ कितना डाला आपने, 6500 यहाँ पे आपने आके इन्वेस्ट कर दिए, एक साल के बाद क्या होने का, एक साल के बाद विड्रॉवल बताइए, विड्रॉवल अमाउंट एट एंड ऑफ वन ईयर बताएंगे कितना, रुपीज 6500 मल्टीप्लाई बाई क्या करा होगा आपने, 1+0.06 कितना हो गए, 6890, सही सही चल रहे ना, ठीक है। अब मुझे बताइए ये पैसे चाहे कोई भी हो रिपे करने के लिए वापस लेके जाओगे नहीं जाओगे,
रिपे तो करने के लिए वापस जाना ही पड़ेगा ना, बताइए रिपे करने जाओगे तो कितने रुपीज़ रिपे करोगे, बॉरविंग का रिपेमेंट अमाउंट कितना हुआ और इक्विवेलेंट अमाउंट कितना हुआ चेक करना यहाँ पे। हाँ ऐसे यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं क्योंकि एरो तो उतना ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, हम यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं कि रिपेमेंट ऑफ डॉलर बोरोविंग कितना है बताना। रिपेमेंट ऑफ डॉलर बोरोविंग अगर चेक करोगे आप तो डॉलर 100, डॉलर 100 मल्टीप्लाई बाय कितना 1 प्लस 0.02, बताइए कितना आ रहा है डॉलर 102। अच्छा ठीक है, अगर वहाँ का रिपेमेंट करते तो इतना अमाउंट होता हमारा। चलते इधर से देखते हैं कि क्या होना चाहिए, बताइए यहाँ से कितना होना चाहिए फेयर होने के लिए। मैं कहता हूँ फेयर होना है, फेयर का मतलब उचित, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कहाँ पे आएगा बताइए, यानी कि इक्विवेलेंट अमाउंट फेयर अगर होना है तो इक्विवेलेंट अमाउंट क्या होना चाहिए एट फेयर रेट इक्विवेलेंट अमाउंट शुड बी इक्विवेलेंट डॉलर शुड बी बताइए डॉलर 102 एट फेयर रेट। फेयर रेट का मतलब फेयर फॉरवर्ड रेट, एक साल का फॉरवर्ड रेट अगर फेयर हो तो ये अमाउंट क्या होना चाहिए डॉलर 102, दैट इज नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट ऑफ लीक नो लॉस एट फेयर। फेयर पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, यही तो डेफिनेशन है फेयर का, उचित सबके लिए उचित, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। आप मुझे बताइए क्या रेट होना चाहिए यहां पे, वन ईयर का फॉरवर्ड रेट मस्ट बी, वन ईयर फॉरवर्ड रेट मस्ट बी जो कि फेयर होना चाहिए, वन ईयर फॉरवर्ड रेट मस्ट बी। देखो कैसे होना चाहिए, आप कह रहे हो कि डॉलर 102 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए रुपीज 6890, इसका मतलब डॉलर 1 रखा जाए तो रुपी क्या होगा 6890 डिवाइडेड बाय 102, हाँ जी कितना होना चाहिए बताइएगा 67.5490, शायद यही तो हमने निकाला था। अरे आईआरपीटी कुछ अलग चीज़ नहीं कहता है, यही रेट आपको निकाल के दिया है। देखो आप आईआरपीटी में जो हमने ऊपर इंटरप्रिटेशन में जो फॉरकास्ट किया था वो यही है। सेम रेट एज फॉरकास्टेड अबव, सेम रेट एज फॉरकास्टेड अबव, तो ठीक है। अब आगे लॉजिक, लॉजिक कुछ भी नहीं है, लॉजिक सिर्फ फेयर का एक ही होता है कि किसी को कमाई फायदा नुकसान ना हो। अगर ऐसा ना हुआ ना तो देखिए क्या होता है, बढ़े यहां तक, मैं रिपीट करता हूं क्यों फेयर प्रिवेल करता है। आपने चेक करा था 67 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा था आपको, क्यों प्रिवेल करता है उसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन करते, देखते फिर से एक बार आ जाए जी। आइए मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये 70 हो जाता है, 70 हो जाता है, कितना 70 अभी नजर आ जाएगा ना ये हमारे को मार्केट में। अरे मार्केट में तो ये आज ही मिलते हैं ना, फॉरवर्ड रेट किसको बोलते हैं, आज मार्केट में प्रिवेल करता है। आज शर्त लगाइए मार्केट में जो होंगे वो एक्चुअल कब होगा, सॉरी जब आपका सेटलमेंट होंगे वो एक्सपायरी पे जाके, यही तो इसी को तो फॉरवर्ड बोलते हैं और यही तो हमने निकाला है। मार्केट से देख रहे तो फॉरवर्ड नहीं फ्यूचर ही सही, एक्सचेंज में होता है फ्यूचर, बैंक में होता है फॉरवर्ड। मान लीजिए 70 होगा, 70 होगा तो क्या हो? चलो 70 ना करके ऐसे कर लेते सिर्फ 65 रख देते, सेम रखते, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी सॉरी नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। अगर 65 ही रह जाए तो क्या होने वाला है बताओ,
ये रेट अगर 65 होता, मान लीजिए चेंज ही नहीं होता, 65 का 65 ही हो तो क्या करेगा लोग बताइए? अगर अगर मान लो हो एक्चुअल तो क्या होगा? क्यों नहीं होता है, मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों नहीं होता है? देखो ना, यहां पे जैसे 65 होंगे तो ये अमाउंट देखो कितना हो जाएगा, 6890 डिवाइडेड बाय 65, ये अमाउंट जाएगा 106। सही कह रहा हूं, चेक कर लो, आप चेक करो ना। अरे 6890 है रेट, अगर 65 हो जाए तो 6890 डिवाइडेड बाय 65, 106 हो रहा है। जैसे ही 106 नजर आएगा तो क्या होगा बताइए? सारे लोग, सारे यूएसए के लोग और सारे इंडिया के लोग कहां से पैसे लाना पसंद करेगा? यूएसए से। और फिर बाद में जाके सब लोग यहां से क्या करेंगे? कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। आज ही लोग इसको शर्त लगाना स्टार्ट करेगा और बेचने के लिए, सोच के देख लो। नहीं समझ आया? आप मुझे बताइए, आप यहां पे रुपी लेके आ गए, ठीक है, रुपी, तो फिर आपके पास अभी जेब में क्या है बताइए? अभी आपके जो पास है, ऐसे देखो ना, चलो इधर से फिर से आते हैं, वहां से डॉलर लेके आ गए, ठीक है, डॉलर लेके आ गए, कन्वर्जन कर लिया आपने, कन्वर्जन कर लिया। अब मुझे बताया आपके पास क्या है? रुपी है। अब रुपी है, इसका मतलब आप डॉलर क्या करोगे? खरीद के वापस लेके जाओगे ना, आप वापस लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे बताओ? डॉलर। तो आपको डॉलर क्या करना है? डॉलर बाई करना है आपको, डॉलर आपको क्या करना है? बाई। बैंक क्या, कौन सी रेट अप्लाई करेगा आपको? चलो अभी तो बैंक के लिए हम बात नहीं करें, हम तो यहां पे बोली लगाने की बात करें, बोली लगाने की बात करें, ठीक है जी। तो आपने बोला कि अगर मार्केट में 65 का रेट हो जाए तो सब लोग यहां पैसे लाके लगाएगा, सब लोग यहां से ले जाने के लिए अभी ही क्या करेगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, सब अभी करेगा ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अरे 65 का रेट मुझे नजर आ गया, फटाफट क्या करते, यहां पे नजर क्या आ रहा है देखो, 106 का अमाउंट आएंगे, पेमेंट कितना करना है? 104। अरे $4 का सेविंग है, फटाफट यूएस से पैसे लाओ और इंडिया में लगाओ। और सिर्फ लगाने से नहीं चलेगा, बैंक में जाके शर्त भी लगाओ। चलो बैंक में नहीं, बैंक की तो बात ही नहीं करें, वो तो क्या करते हैं, हम चलते हैं मार्केट में। अभी मार्केट में बोली लगा रही है हम, क्योंकि प्राइस कहां से डिसाइड होता है याद रखना, बैंक का भी जो प्राइस डिसाइड होते हैं ना, बैंक खुद डिसाइड नहीं करते, पहले बोली लगते हैं, बोली लग के जो सुबह से ट्रेड होते हैं ना, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक जो मार्केट में बोली लगते हैं, उस बोली को देख के आरबीआई रेट कोट करता है और उस आरबीआई को देख के बैंक कोट करता है। इसका मतलब अल्टीमेटली बैंक का भी रेट जो आता है ना, वो बोली से अलग, बोली लग के आता है। अब मैं कहता हूं, बोली लगाने गया मैं मार्केट में, मैं कह रहा हूं कि मैं क्या करूंगा बताओ? डॉलर खरीदूंगा। कब? एक्सपायरी पे। क्यों? क्योंकि डॉलर लेके जाना है ना आपको, क्योंकि आपके पास क्या आ गया? रुपी। तो रुपी को बेच के डॉलर खरीद के यूएस में जाके रिपे करेंगे ना, यूएस में लेके जाएंगे, तो यहां पे जाके डॉलर का डिमांड क्या हो जाएगा? अभी के अभी सब लोग हाई डिमांड क्रिएट करेगा, 65 की जगह सेलर का भाव बढ़ जाएगा। वो बोलता है अरे इतना लोग आ गए कर्म कम, क्या कहते हैं, कम शर्त लगाने के लिए, डॉलर खरीदने के लिए, वो भाव बढ़ाएगा 66। मैं कहता हूं चल कोई बात नहीं, तो 66 पे दे मुझे, ध्यान से सुनिएगा, सेलर ने भाव बढ़ाया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बायर गया ना, याद रखना प्राइस कौन डिसाइड करता है? बायर एंड सेलर, क्योंकि सबको बेनिफिशियल नजर आ रहा है डॉलर बाई करने में, तो सब लोग गए भीड़ बनाने के लिए, सेलर का भाव बढ़ गया, कहते हैं अरे इतने तो डॉलर है, जल्दी जल्दी करेगा डॉलर, अपना बोली बढ़ाता रहेगा, तो जल्दी जल्दी डॉलर अगर का रेट बढ़ाएगा ना बायर, तो ऑटोमेटिकली सेलर अपना भाव क्या करने लग जाते हैं, बढ़ाने लगेंगे। 66 हो गया मान लीजिए, तब भी मैं कहता हूं अभी भी मैं खरीदूंगा, मैं अपना बोली अभी भी बढ़ाऊंगा, बताओ क्यों? क्योंकि 66 भी हो गया ना तो भी मेरे को फायदा है। देखो कैसे, 6890 डिवाइडेड बाई 66 अभी भी कितना जाएगा बताओ? अरे अभी भी 104 आ रहा है मेरा, तो अभी भी मैं लूंगा। दूसरे बायर कहता है, वो भी कहता है हाँ मैं 66 से ज्यादा पे भी लूंगा, वो भी आ गया कितने पे, वो तो कहता है मैं 66.5 पे लूंगा, मैं कहता हूं तेरे से ज्यादा मैं दूंगा, क्योंकि मुझे क्या नजर आ रहा है? अभी भी फायदा, अभी भी फायदा। मैंने क्या करा बताइए? 66-67 लगाया। एक दूसरा इंसान कहते हैं मैं तो इससे भी ज्यादा लगाऊंगा, क्यों बताओ? क्योंकि 67 पे भी उसको
फायदा नजर आ रहा है। कैसे देखो आप, 6890 डिवाइडेड बाय 67 कहता है अभी भी 102.80 रुपया है, मैं तो अभी भी खरीदूंगा क्योंकि मेरे को कितने पैसे, कितने का फायदा है, 80 सेंट का, 84 सेंट का फायदा है, 85 आ रहा है ना आपका, तो उधर तो सेंट चल रहा है ना, तो पैसे यानी कि 83 सेंट का फायदा है। एक और आता है, अब आ गया सेलर कहता है देख मैं तो बेचूंगा 67.549 पे, सेलर इतने पे लेके बैठा है, बायर कहता है नहीं लेता जा, अब यहाँ पे प्राइस आके स्टेबल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बायर कहता है छोड़ नहीं लेना मुझे तेरा डॉलर, क्यों बोलता है नहीं लेना, क्यों कहते कोई फायदा ही नहीं है, यानी कि इसका मतलब जैसे इसके आसपास प्राइस आ जाएगा तो मार्केट जो होगा ना वो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, पढ़ा है केमिस्ट्री में बचपन में, ठीक है जी, एक लेवल के बाद सेचुरेशन लेवल पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाता है, पैरिटी लेवल पे आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, देना है तो दे, ना देना है तो ना दे, आप वहां पे भीड़ नहीं लगाओगे। और ऐसा प्राइस जहां पे भीड़ कहता है अरे ठीक ही तो है, कौन सी एहसान कर रहे हो, मर्जी है तो लेंगे, ना मर्जी है तो नहीं लेंगे, ऐसा फीलिंग अगर दोनों तरफ से आ गया जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फेयर। समझ आ गया क्यों मार्केट में फेयर प्राइस प्रिवेल करते हैं, क्योंकि जैसे मिस प्राइसिंग होगा ना तो हम ही जाके वहां पे क्या करेंगे, भीड़ लगा देंगे, हम खुद ही भीड़ लगा देंगे, और भीड़ लगा के प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और फेयर पे जाके क्या हो जाएगा, सेम। चलो आगे बढ़े हम लोग, तो इसको हम कंट्रोल जेड कर देते, जितना लॉजिक मेरे को देना था सारे लॉजिक मिल चुके हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर दिया, दिखा के एक्सप्लेन कर दिए, अब हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन पे, यही तो क्वेश्चन में मिलेगा और क्या होगा, ठीक है जी। इसमें और कुछ दिखाना है क्या मुझे, मुझे दिखाना है दिखाना है दिखाना है, हाँ प्रीमियम डिस्काउंट की बात कर रहे थे ना, एक प्रीमियम डिस्काउंट वेरीफाई कर देता हूँ, आइएगा। हम जो कह रहे थे 4% का प्रीमियम डिस्काउंट, एक तो वेरीफाई हो गया हमारा, क्या फॉरवर्ड रेट, हाँ फॉरवर्ड रेट का मैं डेरिवेशन दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे हुआ, ठीक है जी। दो चीज़ अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे, एक तो कर देता हूँ वेरिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम पब्लिक डिस्काउंट। आपको याद है आईपीसी इंटर, अगर याद आ रहा हो आईपीसी, तो वहां पे पढ़ा था आपने कि आर्बिट्रेज हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, याद करो, नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूं, आर्बिट्रेज हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, क्योंकि मिसमैच देखते ही भीड़ वहां स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही भीड़ नजर आएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली कहां पे आकर रुक जाता है, फेयर पे। इसीलिए आर्बिट्रेज जो होते हैं हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, कभी भी किसी को नजर आ गया मिस प्राइसिंग तो भीड़ इतना ज्यादा लग जाता है कि वहां पे आके रुकते हैं जहां प्राइस क्या होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाते हैं। और यही रीजन है कि मार्केट में जब भी देखोगे तो फेयर के आसपास जाके क्या होगा, ट्रेड होगा, फेयर के आसपास ट्रेड होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस होंगे तो सब लोग वहां पे फायदे कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग कह रहे थे अभी कि एक्चुअल अगर नहीं प्रिवेल करेगा, याद है मैंने कुछ बोला था अभी, अगर ये फेयर मार्केट में प्रिवेल नहीं करेगा तो हम उसका बेनिफिट रियलाइज करेंगे, और वो बेनिफिट हमारे लिए क्या कहलाएगा, आर्बिट्रेज। याद है जो अभी ये डिफरेंस निकाल के दिया था, क्या था ये, आर्बिट्रेज। अगला प्रोसेस ये है, क्वेश्चन आपका बहुत आते हैं वाले पॉइंट से कि कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन, तो इसका मतलब आर्बिट्रेज कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आईआरपीटी लिंक करना पड़ेगा। तो वहां मत बोलना कि सर आईआरपीटी तो छूट गया था, वहाँ तो समझ नहीं आया था, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं बताया जो समझ नहीं आना है। अगर एक क्लास में आपका 75% भी अटेंशन होना तो समझ ना आया ऐसा तो मुझे नहीं लगता, अब बाकी कहा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि मैं अपने लेवल पे सोच रहा हूँगा, आप अपने लेवल पे सोच रहे होंगे, ठीक है जी। तो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो, बट मेरे को जो लगता है समझ आ जाना चाहिए अगर आपको 75% भी अटेंशन हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट, बताना है स्पॉट रेट क्या होता है, होता नहीं है, है क्या हमारे लिए 65। अभी अभी हमने वन ईयर का फॉरवर्ड रेट रखा था, बताना कितना, $1, जो हमने फेयर सोचा था अभी 67.5490। तो मुझे बताइए इसमें अगर मैं प्रीमियम ऑन डॉलर निकालूं तो क्या नजर आएगा, याद है कुछ, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 100, अब मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 12, क्योंकि पीरियड तो एक साल ही लिया हमने, तो परिणाम तो सीधा ही आ जाएगा, क्यों ज्यादा दिमाग लगाए, 67.5490 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100, कौन बता रहे कितना बता रहे बताइए, 3.92।
हमने क्या बोला था, देखना वेरीफाई हो गए, हमने बोला था एज पर इंटरप्रटेशन, बोला था कि डॉलर अप्रिसिएट्स बाय अप्रोक्सीमेटली 4%। तो क्या यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4% हो रहा है? यानी कि ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 4% अप्रिसिएशन, अप्रोक्सीमेटली 4% अप्रिसिएशन, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया हमारा, फॉरकास्टेड अप्रिसिएशन वेरीफाइड। यहाँ लिख देता हूँ जो हमने फॉरकास्ट किया था ना, फॉरकास्टेड अप्रिसिएशन, फॉरकास्टेड अप्रिसिएशन ऑन डॉलर वेरीफाइड, और कुछ नहीं। चलिए और आगे देखते हैं। ये परसेंटेज था, परसेंटेज था, मुझे बताना परसेंटेज प्रीमियम डिस्काउंट ऑन, प्रीमियम अब्लिक डिस्काउंट ऑन रुपी निकालना चाहे कोई निकाल सकते हैं, याद है कुछ? स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? चलिए बताना क्या है स्पॉट रेट। हाँ जी, स्पॉट रेट क्या है बताइए, 65 माइनस 67.5490 डिवाइडेड बाय 67.5490 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑलरेडी एनुअल है। हाँ जी, 7.77। तो बोलोगे तो ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब आप सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, देखो कितने का डिफरेंस है, 4 और 3.75, और फिर भी इंस्टीट्यूट आर्बिट्रेज के कैलकुलेशन करते टाइम सीधा 4% लेके क्वेश्चन कैलकुलेट करते, शर्म ही नहीं आता। नहीं समझे? आप मुझे बताइए प्रीमियम डिस्काउंट एग्जैक्ट कितना है इसमें, थ्री मतलब इसका डिस्काउंट कितना, माइनस में आ रहा होगा, माइनस कितना आ रहा है बताइए, 3.77। लेकिन जब इंस्टीट्यूट आईआरपीटी को कंपैरिजन करते हैं ना आर्बिट्रेज निकालने के लिए, जब आर्बिट्रेज निकालते तो आर्बिट्रेज के अंदर क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि प्रीमियम डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना है, प्रीमियम डिस्काउंट कितना आता है, और जाके वहाँ से कंपैरिजन करते हैं, और उसमें गैप रह जाता है ये अप्रोक्सीमेशन का, इसीलिए एग्जैक्ट आप फॉरकास्ट नहीं कर पाओगे कि प्रीमियम आर्बिट्रेज होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये रेट मैं नहीं निकालता, ये रेट नहीं निकालता, ठीक है, ये रेट नहीं निकालता, इंस्टीट्यूट कहता है बताओ प्रीमियम डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है, सॉरी इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना है, 4%, ठीक है, और मेरा जो प्रीमियम डिस्काउंट आएगा करेंसी पे वो कहता है 3.8% आ गया। आप मुझे बताओ आर्बिट्रेज है या नहीं है, कैसे बता दोगे, कैसे बता दोगे? ये 4% तो अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट से आप कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे। आपको जब भी कंपैरिजन करना होगा तो एग्जैक्ट रेट से कंपैरिजन जब तक नहीं करोगे तब तक आर्बिट्रेज आप नहीं बता पाओगे। समझ में आया? मैं कहता हूं आपका 3.8 और 4 कंपैरिजन नहीं होना है, कंपैरिजन होना है 3.8 एंड 3.92 या 3.8 एंड 3.77, क्योंकि एग्जैक्ट प्रीमियम डिस्काउंट कौन सी है। चलो अभी जो मैंने बोल रहा होगा शायद अभी समझ नहीं आएगा, आगे मैं बताऊंगा जब आर्बिट्रेज पे जाऊंगा, जो भी मैंने बहस करा था भूल जाइए अभी क्या बोला था मैंने। सिंपली ये समझ जाओ कि डिफरेंस है, इसीलिए तो हम लोग बार बार क्या बोल रहे थे, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट, हर बार क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट। ये देखिए ये क्या है बताइए, अप्रोक्स कितने के इक्वल है, हमने जो अप्रोक्सीमेट किया था अप्रोक्सीमेट 4% डेप्रिसिएशन, अप्रोक्सीमेट 4% डेप्रिसिएशन, इसका मतलब फॉरकास्टेड डेप्रिसिएशन, फॉरकास्टेड डेप्रिसिएशन, फॉरकास्टेड डेप्रिसिएशन ऑन किस पे, डॉलर नो रुपी, रुपी वेरीफाइड, सही है। चलिए आगे बढ़े, अब एक रह गया और, वो रेट कैसे आया वो तो पता चल गया था, फिर भी 2 मिनट और लगा लेते। डेरिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट फॉर्मूला, फॉरवर्ड रेट का जो फॉर्मूला यूज किया था ना आपने, इसका डेरिवेशन देख लो एक लाइन में, आप ऊपर से उठाना जहाँ से हमने लिया था, ये जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम पे चलते हैं। फ्रॉम अबव हमने क्या निकाला है बताना, डॉलर
फॉरवर्ड रेट क्या था इसमें, ये था ना, रुको रुको रुको, हमने फ्रॉम अबव फॉरवर्ड रेट जो लिया था हम लोगों ने, ये था रुपी 6890 डिवाइडेड बाई डॉलर 102, यही था ना, 6890 डिवाइडेड बाई 102 डॉलर। आप मुझे बताइए ये कैसे आया, ये कैसे आएगा बताओ, रुपी क्या 6500 को 1+0.06 से मल्टीप्लाई करके आया था, चेक करके देखो, और फिर ये जो डॉलर 102 कैसे आया था, डॉलर 100 मल्टीप्लाई बाई 1+0.02 से आया था, है ना, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ये रुपी 6500 डिवाइडेड बाई डॉलर 100 लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1+0.06 डिवाइडेड बाई 1+0.02 आ जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 60, ये जो है ना ये लिख सकते हैं 65, लेकिन ये 65 क्या है बताइए, रुपीज पर डॉलर है, याद रखना आप एक डॉलर के लिए, मल्टीप्लाई बाई क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपी करेंसी डिवाइडेड बाई 1+पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर करेंसी। अभी तो पावर में यहाँ 1 था क्योंकि एक ही पीरियड था, एक पीरियड होते तो हम एक पीरियड का ऐसे लेते हैं, अगर यही दो पीरियड होता ना तो दो पीरियड का हम दो लेते, तो अभी चलो अभी तो एक एक चल रहा था, तो क्या मैं इसको एन लिख सकता हूँ, क्योंकि पीरियड एक था तो एक ही हमारे लिए एन था इसमें, तो मुझे बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉरवर्ड रेट जो हमारा आया है स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाई 1+पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट रुपी करेंसी का पावर एन डिवाइडेड बाई 1+पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डॉलर करेंसी का पावर एन। ये था हमारा IRPT। अगर कुछ भी रह गया हो गिले सिकवे, तो गिला सिकवा क्या करो पहले दूर कर लो, नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। है कुछ गिला सिकवा जी, उम्मीद तो नहीं करता कि कुछ बचा होगा।